ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले रोहतक रोड की बदहाली अब दूर होगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जखीरा से मुंडका तक के रोड के नवीनीकरण का उद्घाटन कर दिया है। 25 करोड़ की लागत से होने वाले इस कार्य को 4 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक इस उद्घाटन को बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, क्योंकि इससे ट्रैफिक भी कम होगा और प्रदूषण भी। हालांकि विधायक मानते हैं कि आर्थिक संकट की वजह से बाहरी दिल्ली में सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में बड़ी रुकावट आ रही है। कोरोना काल में भी दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के लिए कई सारी सौगातें लेके आ रही है। ऐसे में रोहतक से लेके मुंडका एक्सप्रेस वे इसका नवीनीकरण भी के नींव जो है आज रखी जाने वाली है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, इसके साथ ही चारों विधायक स्थानीय विधायक धर्मपाल लाखड़ा भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। पूरा कार्यक्रम यहाँ पर हम आप तक लेकर आएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। बाहरी और पश्चिमी दिल्ली के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाली रोहतक रोड की बदहाली के दिन अब दूर होने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जखीरा से मुंडका रोड तक नवीनीकरण का कार्य का उद्घाटन कर दिया है। दिल्ली के बहुत व्यस्त सड़कों में शुमार इस रोड में जगह जगह गड्ढे, टूट फूट के साथ जल जमाव की समस्या हमेशा से ही बनी रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक लोगों को इस सड़क के बनने के बाद से आराम मिलेगा, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और साथ ही केजरीवाल का कहना है कि प्रदूषण भी इस रोड के बन जाने से कम हो जाएगा। अगले साल से पराली का धुआं आने का कोई मतलब नहीं है। अब दिल्ली के लोगों ने सबको सिखा दिया कि पराली को बिना जलाए कैसे खाद में कन्वर्ट करना है। तो कई सारे बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों को फिर से दिल्ली के लोगों को ये सड़क बनने की बहुत बहुत बधाई। बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों की हालत कैसी दयनीय है, ये तस्वीर बयां कर रही है। रोहिणी से कराला, कंझावला रोड मुंडका को जोड़ने वाला रोड कई सालों से बदहाल है। हालात ये हैं कि DTC लो फ्लोर बसें भी इस रोड से आने जाने से बचती हैं। दिल्ली सरकार भी फिलहाल आर्थिक संकट से गुजर रही है। वजह यही है कि विकास कार्य फिलहाल ठप पड़े हुए हैं। धर्मपाल लाखड़ा का कहना है कि कोशिश है कि जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। आए दिन की समस्या थी और इस साल बारिशों में जगह जगह बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए थे, बहुत ज़्यादा रोड टूट गए थे। तो इसलिए मैंने CM साहब से, सत्येंद्र जैन जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि अभी मेरे मुंडके का सुधार कर दो, वहाँ इतना बुरा हाल है। तो इन्होंने उस बात को मेरे को सुनते हुए रानीखेड़ा रेड लाइट से लेकर के और लोकेश सिनेमा तक ये सारा रोड RCC का होगा। अगर इसमें कोई पानी भी भरेगा या एक दिन 2 घंटे 4 घंटे पानी भी हो जाएगा तो रोड की बर्बादी नहीं होगी। और असल तो अब पानी जो हमारी सरकार और मैं हम लग करके पानी भरने नहीं देंगे। दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है। बाहरी दिल्ली की खस्ताहाल सड़कें इसको बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन ये समस्या जल्द दूर होगी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आर्थिक संकट से गुजर रही दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के समय में भी रोहतक रोड जैसे व्यस्त सड़क का नवीनीकरण होना एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।